सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भले ही गुरुवार 30 मई से आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप का आगाज होने जा रहा हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें 16 जून को खेले जाने वाले महामुकाबले पर टिकी हुई है। जी हां, अगले महीने रविवार 16 जून को चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमों का आमना सामना होने वाला है। दोनों पड़ोसी देश के बीच यह घमासान मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। आप सभी को याद दिला दें कि एक दिवसीय विश्व कप में अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 6 मैच खेले गए और सभी के सभी मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत का स्वाद चखा है। 6 हार के सिलसिले को तोड़ेगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मैच में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन महामुकाबले से पहले ही दोनों देशों के क्रिकेट दिग्गजों ने एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता और टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का ऐसा मानना है कि इस बार पाकिस्तान भारत को हराने में जरूर सफल रहेगा और लगातार चली आ रही 6 हार के सिलसिले को जरूर तोड़ेगा। हाल में ही अपने दिए गए एक बयान में इंजमाम उल हक ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लोग ज्यादा ही गंभीरता से लेते हैं। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि अगर हम विश्व कप केवल भारत के खिलाफ जीत दर्ज कर लेते हैं तो हमें खुशी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट की एक वेबसाइट पर अपना बयान देते हुए इंजमाम उल हक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार हम भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में हार के क्रम को तोड़ने में सफल रहेंगे। वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।